नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर स्थित ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय स्काउट एंड गाइड कैंप का शुभारंभ किया गया। कक्षा 6, 7 व 8 के बच्चों के लिए आयोजित किए जा रहे इस कैंप में प्रथम दिन टोलियों का विभाजन किया गया तथा ट्रुप लीडर्स का चुनाव किया गया। शुभारंभ समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर में पधारे प्रेस क्लब मीरापुर के अध्यक्ष राहुल शर्मा व महासचिव ऋतु मोहन ने विद्यालय प्रधानाचार्य दीपक कुमार धीमान के साथ संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। बच्चों को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य ने कहा कि स्काउट एंड गाइड लाइफ स्किल सीखने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। इससे हमारे अंदर देश व समाज की सेवा की भावना का विकास होता है, साथ ही हमें विषम परिस्थितियों में निपटने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। विशिष्ट अतिथि राहुल शर्मा व ऋतु मोहन ने बच्चों से सीखी हुई बातों को जीवन में उतारने के लिए प्रोत्साहित किया और बच्चों को शुभकामनाएं दी। आज ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय स्काउट एंड गाइड कैंप का शुभारंभ किया गया है। कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है और बच्चे स्काउट एंड गाइड के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ स्किल्स हैं उनको सीख रहे हैं। देश सेवा के साथ साथ किस तरह से समाज सेवा करनी है, किस तरह से व्यक्तित्व का विकास करना है, उसमें स्काउट और गाइड का एक बहुत बड़ा योगदान है। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को स्काउट और गाइड की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लर्निंग बेस्ड है टोटली। और इमरजेंसीज में स्काउट एंड गाइड ने देश की और मानवता की बहुत सेवा की है, तो उसी उद्देश्य को, उसी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों को स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग दी जा रही है। 3 दिन का कैंप है, जिसका आज पहला दिन था। पहले दिन में आज विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राहुल शर्मा जी, ऋतु मोहन जी उपस्थित रहे और बच्चों को टोलियों में बांटा गया। अलग अलग टोलियों में बांट करके उनको अलग अलग दिशा निर्देश और बहुत सारी क्लैपिंग्स और पिरामिड मेकिंग, फ्लैग का सम्मान, किस तरह से फ्लैग को लगाया जाना होता है, क्या ये तमाम चीज़ें सीखी हैं। और अभी 2 दिन बाकी हैं और बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के उत्साह के साथ इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। वक्त हो चला है आप सविता लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।